इसराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग की वजह से गाजा में दहशत का आलम है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए ये नहीं लगता कि ये जंग जल्दी थमने वाली है। अगर ये जंग नहीं थमी तो वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता जाएगा, यानी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से एक बड़ी जंग की शुरुआत भी हो सकती है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। हमले की शुरुआत कैसे हुई ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इसराइल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इसराइल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इसराइल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये पिछले 50 वर्षों में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इसराइल के पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. इसलिए कहा जा सकता है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही, हमास की रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। इसराइल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और इसराइल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इसराइल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इसराइल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है वहां इसराइल की सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इसराइल की सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की बहुत सी जमीन पर सेटलर्स को बसाया गया है और इसे लेकर फिलिस्तीन और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता गया। और उधर हमास के हमले के बाद इसराइल की वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। इसराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी गई। गाजा से इसराइल की सीमा में घुसने के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। इसराइल के इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसराइल की वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है और हमास के आतंकियों पर इसराइल की तरफ से पलटवार किया गया। हमास के हमले में इसराइल के शहर धुआं धुआं हो गए। इसके साथ ही दक्षिणी इसराइल में गोलीबारी भी होने लगी। गाजा पट्टी से इसराइल में हमास के लड़ाके घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले के बाद पूरे इसराइल में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हालात को देखते हुए इसराइल में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इसराइल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये इसराइल का मरकावा टैंक है जो गाजा से लगे इसराइल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके परखच्चे उड़ने लगे। हमास के हमलावरों ने इस टैंक को एक हमले में जला दिया। हमास ने अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार करके भी भेजे। हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर और फिर ये इसराइल के इलाकों में फैल गए। बाद में इसराइल से जो वीडियो आया उसमें आप ऐसे ही हमलावरों को एसयूवी पर सवार होकर जाते देख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड अटैक से बड़ा तो हवाई अटैक हुआ है। हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं कि इसराइल गिन भी नहीं पाया। हमास से ताउत खमुआ बोकर व पतख बिलखमा के नेगद मदीनात इसराइल खैले चाल निलखमिन बिकल नकुदात खदिरा के नेगद औयब। ये इसराइल का रेहोत शहर है। यहाँ रॉकेट हमलों के बाद क्या हुआ देखिए, कितना डरावना मंजर है। गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेट यहां आकर गिरे और फिर हर तरफ आग लग गई। ऐसा ही हाल इसराइल के कई और शहरों का भी हुआ है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं। हमास ने 7,000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ इसराइल पर चलाए हैं। 7,000 रॉकेट को रोकने में इसराइल पूरी तरह से फेल हो गया। एक तरह से उसका आयरन डोम सिस्टम एक्सपोज हो गया।
הקפצנו כרגע את הפלחודים למילואים באד-הוק, כל כיתות הכוננות יוצאים החוצה, חסימות בכל הערים. הנחיות לתושבים כרגע להסתגר בבתים, לנעול את הדלתות, דלת נעולה, אנשים לא ייכנסו לשם, אף אחד שלא יצא החוצה, כי במקביל יש את התקפת טילים. इससे पहले आयरन डोम ने रात में भी गाजा से फायर किए गए रॉकेट को रोककर खुद को साबित किया है। नेतन्याहू ने इस सिस्टम को गाजा और आसपास में तैनात किया हुआ है। उनको पूरा यकीन रहा है कि आयरन डोम किसी भी हमले से बचा सकता है, और यही कहकर नेतन्याहू ने इस सिस्टम की पूरी दुनिया में मार्केटिंग भी की है। इसका एक नमूना देख लीजिए, यह सिस्टम रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर देता है। यह है कमाल आयरन डोम का। इससे पहले जब जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने रॉकेट से हमला किया है, आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी। ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है, ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमलों को भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। इजराइल की ये हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम फेल साबित हुआ है, और वो इस्तेमाल में बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि 1,00,000 रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें से 2 मिसाइल फायर की जाती है, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होती है। यानी एक रॉकेट जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए भी नहीं है, उसको रोकने के लिए इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है।